नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक, श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सब शिक्षक, शिक्षाविद और जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उन सब का हृदय से स्वागत करना चाहता हूं और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों से हम जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम, बहुत महत्वपूर्ण पहलू, ध्यान, मेडिटेशन पे कुछ चर्चा पर चर्चा कर रहे थे। कल कुछ महानुभावों का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मुझे लिखा है कि सर, ध्यान की जो श्वास प्रक्रिया के द्वारा आपने विधि बताई उसमें उतरने में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे ही हम आंख बंद करके बैठते हैं और महसूस करते हैं कि हम विचारों को नहाने दें, अपने मस्तिष्क को विचार विहीन कर लें, वैसे ही विचारों की तीव्रता और बढ़ जाती है। ये बात तो हमने कल अपने सेशन में कही थी कि निश्चित रूप से ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने ये निवेदन किया है कि कुछ ऐसी चीजों पर चर्चा हमारे साथ की जाए ताकि हम वो श्वास प्रक्रिया के द्वारा जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें उतर सके। तो मैंने आज ये निश्चय किया है कि हम उस विषय पर आज आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे ताकि हम ध्यान प्रक्रिया में उतरने में थोड़ा सा सहायक बन सकें, अपने को सहायक बना सकें, या हम उस विधि में उतर सकें कि हम ध्यान प्रक्रिया को स्वीकार कर सकें और अपना सकें। सर्वप्रथम मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि सबसे पहला मेरा सेशन था जीवन का रहस्य, उसमें एक बात मैंने कही थी जहां से मैं शुरुआत आज करना चाहता हूं। मैंने उसमें कहा था कि मृत्यु के बाद बहुत सारी चीजें मनुष्य की ऐसी छोड़ जाती हैं जिन्हें वो संचय तो करता है, चाहे वो साधन हो, चाहे वो वासनाएं हो, चाहे वो सुविधाएं हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो इच्छाएं हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐतृप्त छूट जाती हैं। और मृत्यु के बाद जब ऐतृप्त इच्छाओं को तृप्त करने का भाव उत्पन्न होता है तो हम दोबारा जन्म लेने की कोशिश करते हैं, और वो इच्छा जब दृढ़ इच्छा में बदल जाती है तो हम फिर किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। अर्थात मैं ये कहना चाहता है कि जब तक इच्छा दृढ़ इच्छा में ना बदल जाए, जब तक हमारी जो इच्छा है वो दृढ़ शक्ति में ना बदल जाए, तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं। इसलिए अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हम ध्यान में उतरें, हम चाहते हैं कि प्रकृति के रहस्य को हम समझ लें, हम चाहते हैं कि ईश्वर और हमारे बीच जो एक रेखा है, जो एक दीवार है, वो ढह जाए, वो टूट जाए, वो नष्ट हो जाए, तो यह आसान काम तो नहीं है। आसान काम होता तो इस विषय पे फिर चर्चा और बात करने की आवश्यकता नहीं थी। इतना आसान होता तो हमने कहा था कि इसे शब्दों से व्याख्या नहीं की जा सकती, अनुभवों का मसला। और जब तक मनुष्य अनुभव नहीं करेगा उसे कैसे महसूस करेगा। शब्द बहुत थोड़े हैं इस विषय पे बात करने के लिए, शब्दों की जो महत्ता है वो बहुत कम है, शब्दों की जो संख्या है वो भी बहुत कम। ये तो भावों का और हृदय का मसला, मस्तिष्क का मसला नहीं है। फिर भी हम कुछ विषयों पे आपसे आज चर्चा करना चाहते हैं ताकि हम आपको तैयार कर सकें मानसिक रूप से कि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वैसा तैयार होना पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम में जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ भी प्राप्त करने की, प्रबल इच्छा होनी चाहिए,
दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। हमारी जिज्ञासा इतनी प्रबल हो कि हम ऐसा महसूस करें कि इससे पाए बगैर हम रहेंगे नहीं, हम निश्चित रूप से इसे पाके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे पूरा करेंगे, ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। ये भाव तब उत्पन्न होगा जब हम ये सोच लें कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है पाने के लिए, इसे मुझे पाना है, इसके पाए बगैर मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं इसके पाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा, ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए। उस भाव को प्रकट करने के लिए या स्थापित करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, कि मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जिज्ञासा कैसे होनी चाहिए। एक बार एक साधु के द्वार पे एक नवयुवक पहुंचा। नवयुवक ने साधु के पैर छुए और कहा कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं। साधु ने गर्दन ऊपर की और उसका चेहरा देखा, उसके बाद गर्दन फिर नीचे कर ली और कहा ठीक है, कल सुबह जब मैं स्नान करने जाऊं गंगा में, गंगा किनारे उनकी कुटिया थी, तो सुबह गंगा पे आ जाना। नवयुवक ने सोचा इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए मुझे, हो सकता है कि गंगा के किनारे बैठ के मुझे कुछ उपदेश दे। सुबह भोर में साधु जब गंगा किनारे पहुंचा तो नवयुवक वहां बैठा मिला। नवयुवक ने कहा गुरुजी मैं तो आपके इंतजार कर रहा था। बोले अच्छा, कल वही नवयुवक है ना आप जो कल आए थे मेरे पास और चाहते थे कि मैं ईश्वर के बारे में जानूं। बोले हाँ गुरुजी मैं वही नवयुवक। बोले ठीक है, आपको कुछ बताते हैं, बेहतर होगा कि स्नान कर लें पहले। नवयुवक ने सोचा इसमें भी क्या ऐतराज हो सकता है, इसमें भी क्या हानि हो सकती है कि गुरुजी के साथ चलो स्नान ही कर लेते हैं। गुरुजी तो सिंपली एक धोती पहने हुए थे, उन्होंने धोती उतारी, लंगोटी बांधी और गंगा में उतर गए। नवयुवक निश्चित रूप से कुछ ज्यादा कपड़े पहने हुए था तो उसे उतारने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन स्नान करना है तो कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, स्नान करना है तो कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे, बिना कपड़े उतारे तो स्नान नहीं हो सकता। गंगा का पवित्र जल आपको टच नहीं करेगा अगर आप वस्त्र पहने होंगे, वस्त्रों से छन जाएगा, फिर गंगा जल कहां रहेगा। कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे अगर गंगा जल से स्नान करना है तो, गंगा जल का स्पर्श पाना है तो आपको कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे। नवयुवक ने कपड़े उतारे और गुरु जी के साथ गंगा में प्रवेश कर गया, और जैसे ही गंगा में प्रवेश किया तो गुरुजी ने भी डुबकी लगाई तो नवयुवक ने भी डुबकी लगाई, और जैसे ही नवयुवक ने डुबकी लगाई वैसे ही गुरुजी ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे गंगा में दबा दिया, गंगा के जल से उसे बाहर नहीं आने दिया। गुरुजी तो वृद्ध आदमी थे लेकिन मजबूत आदमी थे, था तो नवयुवक भी मजबूत लेकिन गुरुजी की पकड़ से बाहर आना बड़ा मुश्किल काम था। वो उसकी गर्दन दबाए रखे गंगा जल में, नवयुवक छटपटाता रहा बाहर आने के लिए, और एक क्षण ऐसा आया कि नवयुवक ने पूरी शक्ति के साथ दम लगा दिया और गुरुजी के हाथ की गिरफ्त से छूट के एकदम बाहर आ गया। बाहर आके एक लंबी सांस ली और सांस लेने के बाद गंगा तट पे की तरफ दौड़ा, गंगा से बाहर निकल के तट पे लंबी लंबी सांस लेते हुए खड़ा रहा।
गुरु जी भी स्नान करके आराम से जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि आप गुरु हैं या कसाई हैं, आप तो मुझे मार ही देते आज। वो तो अंतिम समय में मैंने पूरा दम लगा दिया तभी आपकी गिरफ्त से छूट पाया, अन्यथा की स्थिति में अगर कोई कमजोर नवयुवक होता तो आज उसे मार ही देते। आप तो कसाई प्रतीत होते हैं, आप गुरु कहां? गुरु जी मुस्कुराए और बोले ये बात तो मैं बाद में भी कर लूंगा, आश्रम में कर जाके भी कर लूंगा, मुझे केवल एक मेरा प्रश्न है उसका जवाब आपसे चाहिए। युवक ने बोले कि क्या जवाब, क्या क्वेश्चन, क्या आंसर? मैं अपने जीवन बचा आया आपसे, यही बहुत है मेरे लिए। बोले नहीं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन तो आपसे करना चाहता हूं। बोले बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? उसने कहा कि जब मैंने आपकी गर्दन दबा रखी थी और आपने पूरा दम लगा के बाहर निकलने की कोशिश की, वो अंतिम समय में आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ वो मैं जानना चाहता हूं। आपके आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ वो मैं जानना चाहता हूं। बोले भाव क्या उत्पन्न होना था उस समय? तो केवल 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 और केवल एक ही इच्छा थी, एक ही भावना थी, एक ही भाव था कि किसी तरह मुझे एक सांस आ जाए, बस एक सांस के लिए मैंने अपनी जितनी शक्ति थी वो सब लगा दी कि एक सांस मुझे मिल जाए, किसी तरह मैं जल के ऊपर आ जाऊं और मुझे सांस मिल जाए तो जीवन मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो ऐसी ही जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसा ही भाव होना चाहिए। कल जब आप मेरे साथ आए थे, मेरे पास आए थे, तो आपके चेहरे पे वो जिज्ञासा नहीं थी, वो भाव नहीं था, वो पाने की इच्छा नहीं थी, वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ इच्छा नहीं थी। अगर वास्तव में चाहते हो कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं, ईश्वर के बारे में जानूं, इस प्रकृति के रहस्य को जानूं, तो आपको वैसी जिज्ञासा, वैसी इच्छा, ऐसी इच्छा शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी जैसी आज एक सांस के लिए आपने किया था। एक सांस लेने के लिए जो आपके अंदर इच्छा शक्ति थी, जिज्ञासा थी, जो पूरा दम आपने लगा दिया एक सांस लेने के लिए, वैसा ही पूरा दम आपको लगाना पड़ेगा, पूरी जिज्ञासा के साथ उतरना पड़ेगा इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, अगर वास्तव में चाहते हो कि मैं अपने और ईश्वर के बीच के संबंध को जान पाऊं, ईश्वर के रहस्य को जान पाऊं, इस प्रकृति के रहस्य को जान पाऊं। युवक को वो अनुभव कराना चाहते थे कि हम जीवन में अगर कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए जैसे एक डूबते हुए उस नवयुवक के मन में थी एक सांस के लिए, ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में होनी चाहिए। मैं उन तमाम नवयुवकों से, उन तमाम शिक्षकों से ये बात कहना चाहता हूं कि ध्यान की प्रक्रिया भी ठीक ऐसी है। अगर आप अपने हृदय में ये बात उतनी ही तीव्रता के साथ पैदा नहीं करेंगे कि मुझे पाना है, मुझे पाना है, मुझे पाना है, मैं पाए बगैर नहीं रह सकता हूं, इसके बगैर मेरा जीवन व्यर्थ है, ये भावना अगर व्यक्त नहीं कर पाएंगे, आप अपने मस्तिष्क से उसे नहीं बता पाएंगे, तो जो तीव्र इच्छा होनी चाहिए ध्यान की, तीव्र इच्छा होनी चाहिए अपने को जानने की, ईश्वर को जानने की, प्रकृति को जानने की, तो संभव नहीं है। तो ऐसी दृढ़ इच्छा, ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में होनी चाहिए। एक पहली बात मैंने कहा, एक सूत्र मैंने कहा, एक बात मैंने कही कि ऐसी जिज्ञासा हमारे मन में होनी चाहिए। दूसरा सूत्र मैं बताना चाहता हूं कि कई बार जिज्ञासा तो होती है, इच्छा भी होती है, हम उसे पाना भी चाहते हैं, लेकिन हम संकल्प के साथ नहीं उतरते। हम जानना तो चाहते हैं, हम सीखना तो चाहते हैं, लेकिन हम संकल्प के साथ नहीं उतरते हैं। संकल्प का अर्थ यह है कि मैं करके ही रहूंगा, मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। ये प्रतिज्ञा आपको करनी पड़ेगी, किसी और से करने की आवश्यकता नहीं है। समाज में 10 लोगों के बीच आप स्टेज पर खड़े होकर ये प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं। वो प्रतिज्ञा बड़ी खतरनाक होती है,
वो प्रतिज्ञा आप अपने लिए पूरी नहीं करते, वो प्रतिज्ञा में बाध्यता होती है, वो प्रतिज्ञा आपको बाध्य करती है। समाज, जिन समाज के सामने आपने प्रतिज्ञा की है, वो समाज को दिखाना होता है कि मैं प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। बंधन में बंध जाते हैं आप। आपको अगर एक प्रकरण याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अभिमन्यु की हत्या कर दी गई तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा कर ली, शाम तक सूरज छिपने से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा। कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है वहां, उसने कहा कि मैं मार दूंगा जयद्रथ को, मैं मारूंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं था। आपके पुत्र की हत्या की और उसमें उसका जो व्यवहार था वो शोभनीय नहीं था, उसे आप दंडित करना चाहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं था। हर्ज इस बात में था कि आपने सूर्यास्त होने से पहले उसे मारने की प्रतिज्ञा कर ली, और वो प्रतिज्ञा भी सार्वजनिक रूप से कर ली, और प्रतिज्ञा ही नहीं की कि मैं उसे मार दूंगा। उसने आपने कहा है कि अगर उसे नहीं मारूंगा तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। मैं उस प्रतिज्ञा की बात नहीं कर रहा जो सामाजिक प्रतिज्ञा आप करते हैं, उसके लिए आप बंध जाते हैं, आप बाध हो जाते हैं। कृष्ण को अपनी लीला चलानी पड़ी, कृष्ण को अपनी लीला करनी पड़ी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, अन्यथा की स्थिति में अर्जुन आत्मदाह करके ही मर जाते। हमें ऐसी प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है, ऐसे संकल्प की जरूरत नहीं है। आज हम संकल्प अपने से कर रहे हैं, किसी समाज से नहीं कर रहे हैं। ये संकल्प एक अन्य तरह का है, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये केवल प्रतिष्ठा के लिए इसे पूरा नहीं करना है। ये हम इसलिए पूरा नहीं करेंगे कि हमने लोगों के सामने प्रतिज्ञा की है, हमने लोगों के सामने कसम खाई है, हमने लोगों के सामने वायदा किया है, नहीं। ये हम अंतर मन अपने से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अपने से संकल्प कर रहे हैं, अपने से कह रहे हैं इसलिए बगैर नहीं मानूंगा, मैं तो इसे प्राप्त करके रहूंगा, कुछ भी मुझे करना पड़े लेकिन मैं इसे प्राप्त करूंगा। तो जिज्ञासा के बाद एक संकल्प की आवश्यकता है, वो संकल्प आपको करना पड़ेगा, अपने से संकल्प करना पड़ेगा। अपने से ही तो प्राप्त करना चाहते हो कुछ, अपने से ही तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा है आपकी, जिज्ञासा है ना अपने को जानने की, तो अपने से तो संकल्प कर रहे हैं आप। इसमें हर्ज भी क्या, इसमें ऐतराज भी क्या होना चाहिए। हम अपने से संकल्प कर रहे हैं कि आज हम कुछ ना कुछ प्राप्त करके, आज रहेंगे या कल रहेंगे, लेकिन इतना तो हम कह ही सकते हैं कि जब तक हम इसे प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठे, हम इसे पूरा करके रहें। तो दूसरा सूत्र है कि हम संकल्प लें। पहला सूत्र हमने बताया कि हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए कि उसके बगैर, प्राप्त किए बगैर हमें केवल और केवल वो ही चाहिए। जैसे एक सांस चाहिए नवयुवक को, वैसे ही मुझे अपने को जानने की इच्छा है, मुझे प्राप्त करना है। तो एक संकल्प के साथ मूत्र, तीसरी बात मैं आपसे जरूर ऐसी बात कहना चाहता हूं जो थोड़ी सी आसान नहीं है, थोड़ी कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। वो है कि हमारे अंदर जितना भी कूड़ा करकट भरा है उसे बाहर फेंकना। कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ दार्शनिकों ने उसे रेचन शब्द भी दिया है कि हमें रेचन करना है। आपने किसी माँ को देखा है अनाज को फटकते हुए? वो एक छाज होता है, डिफरेंट भाषाओं में उसे कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन उसमें अनाज देके वो मदर इस तरह से फटकती है और उसमें जितना कूड़ा करकट होता है वो सब बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है। जो भारी वजन है वो उसी में रह जाता है, जो अनाज के दाने हैं वो छाज में ही रह जाते हैं, लेकिन जितना भी कूड़ा करकट है वो सब छाज से बाहर हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर भी बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, और सबसे जो ज्यादा कूड़ा करकट है वो मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या इकट्ठा कर लिया। हमने इकट्ठा कर लिया है कि किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी हमारे लिए अगर कुछ गलत कहा, गलत किया, गलत सोचा, तो हम उसे पकड़ के बैठ जाते। किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया उसे नहीं पकड़ के बैठते हैं,
कृतज्ञता का भाव नहीं आने देते। अगर वो भाव पकड़ेंगे कि किसी ने हमारे साथ क्या अच्छा किया, तो कृतज्ञता का भाव भी उत्पन्न होगा, उसके प्रति भी कुछ अच्छा करने का भाव उत्पन्न होगा, जो हम आने देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो कूड़ा करकट भरा है। वो कूड़ा करकट भरा है कि किसी ने भी हमारे बारे में गलत सोचा, गलत किया, गलत कुछ करने की योजना बनाई, वो तमाम हम पकड़ के बैठ जाते हैं और उस प्रतिक्रिया में जीते हैं पूरे जी। उसने मुझे तब ऐसा कहा था, उसने मुझे तब गाली दी थी, तब उसने मेरे साथ ऐसा करने का प्रयास किया था, तब उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे भुगतूंगा, जीवन के अंतिम क्षण तक भुगतूंगा, भूलूंगा नहीं। हर हर रोज याद कर लेता हूं, हर हर हफ्ते याद कर लेता हूं, हर महीने याद कर लेता हूं, हर साल याद कर लेता हूं। हमने दिन बना लिए, उस दिन उसे जरूर याद करना है, उसने हमारे साथ क्या गलत किया था, क्या सही किया था, उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके प्रति तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, एक बाध्यता हो जाएगी, कृतज्ञता की बाध्यता हो जाएगी। लेकिन जो कूड़ा करकट है वो हमने इकट्ठा कर लिया। अब इस कूड़ा करकट को बाहर करने के दो तरीके, एक श्वास प्रक्रिया के द्वारा भी इसे बाहर किया जा सकता है, कि हम पूरा सांस अंदर लें और पूरे दम के साथ सांस बाहर फेंकें, फिर अंदर लें और बाहर फेंकें, फिर अंदर लें और बाहर फेंकें। कपाल भाती भी उसका एक प्रक्रिया हो सकती है, हम पूरा सांस अंदर लें और पूरा सांस बाहर फेंकें। इस प्रक्रिया में हो सकता है कि कुछ बहुत सारी चीजें हमारे शरीर से निकल जाएं, हमारे मस्तिष्क से निकल जाएं, वो बाहर कूड़ा करकट छन जाए, वो ही अंदर बचे जो वजनदार है, छाज में जिस तरह भारी अनाज ही छाज में रह जाता है, कूड़ा करकट बाहर फेंक जाता है, शायद सांस के द्वारा वो सब कुछ बाहर निकल जाए। दूसरा तरीका है कि हम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करने की कोशिश करें, प्रतिदिन ये भाव उत्पन्न करें कि आज तक हमारे साथ जिसने भी कुछ भी गलत किया उसके हम उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। हम निर्णय करें, रोज संकल्प लें कि किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया है, गलत किया है, उसकी हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करें। हम केवल वो याद रखें किसी ने हमारे लिए क्या बेहतर किया। अगर वो हम बाहर फेंक देंगे उस कूड़ा करकट को जो प्रतिक्रिया के लिए इकट्ठा कर रखा है, तो निश्चित रूप से हमारे पास वो बचेगा जिसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, हम कृतज्ञता स्वीकार करते हैं। तो एक ऐसा भाव बचेगा, एक ऐसा अनाज बचेगा, एक ऐसा तत्व बचेगा जो वजनी है, उसे बाहर फेंकने की कोशिश भी करेंगे तो आप नहीं फेंकेगा। कूड़ा करकट सब बाहर हमें करना है। कूड़ा करकट अगर हम बाहर नहीं कर पाए तो घर साफ नहीं होगा। ये घर साफ नहीं होगा तो घर बगैर साफ करे किसी अतिथि को आप अपने घर में नहीं बुलाते। आपने देखा होगा कि अगर घर में कोई अतिथि आने वाला है, कोई अतिथि को हम आमंत्रित कर रहे हैं, उसे निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारे घर में आइए, तो हम अपने घर को साफ सुथरा कर लेते हैं, हर कोने को साफ करके रखते हैं, हर मेज की धूल झाड़ देते हैं, सब कुछ ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि आपका इस सुंदर घर में, इस साफ घर में स्वागत है। और शायद हमारा जो अतिथि है वो घर में आने के बाद अच्छा महसूस करता है, प्रसन्नता अनुभव करता है कि मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया है, घर कितना साफ सुथरा रखा। तो तीसरा सूत्र हमने बताया था कि हमें कूड़ा करकट बाहर फेंकना है, रेचन करना है, और अगर साफ सुथरा हो गया तो फिर चौथा सूत्र, चौथा सूत्र है कि हमें उस शक्ति को, उस ऊर्जा को जिसकी हमें तलाश है, उसे निमंत्रण भेजना है, उसे आमंत्रित करना है, उसे हृदय से आमंत्रित करना है, उसे बुलाना है, उसे बुलाना है कि मैंने अपना घर साफ कर लिया है, मेरे अंदर आपको अपने घर में बुलाने की बहुत जिज्ञासा है, मैंने संकल्प लिया है कि जब तक आप नहीं आओगे तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूं, मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मेरे घर में आप प्रवेश नहीं करोगे मैं प्रतिदिन अपने घर को साफ सुथरा रखूंगा, प्रतिदिन आपका इंतजार करूंगा, प्रतिदिन आपको आमंत्रित करूंगा,
निमंत्रण भेजूंगा, हृदय से निमंत्रण भेजू, ये भाव हमारा होना चाहिए। तो हम चौथा सूत्र हुआ कि हम उस ऊर्जा को आमंत्रित करें, उसे निमंत्रण दें उसे कि मेरा घर साफ है, आप आ जाइए। इस भाव के साथ हम प्रतिदिन उस ऊर्जा का आह्वान करें, उस ऊर्जा के आह्वान के साथ प्रतिदिन ये संकल्प भी दोहराएं कि जब तक आप मेरे घर में प्रवेश नहीं करोगे, मैं तब तक अपने घर को साफ करता रहूं। कोई भी ऊर्जा, कोई भी ईश्वर, कोई भी शक्ति इतनी निर्दयी नहीं है कि आप प्रतिदिन जिज्ञासा के साथ, संकल्प के साथ अपने घर को साफ करते हुए डोर पे खड़े होके, दरवाजे पे खड़े होके इंतजार कर रहे हो उस मेहमान की, जो मेहमान आपके घर में प्रवेश करने वाला है, तो वो ना आए, निश्चित रूप से एक दिन आए। तो ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। और फिर हमें प्रतीक्षा करनी, डोर पे खड़े होके, दरवाजे पे खड़े होके हमें प्रतीक्षा करनी। अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं, हमारे पास अब एक ही विकल्प है कि हमने अब सब कुछ कर लिया ना, अपना घर साफ कर लिया, हमने संकल्प कर लिया, हमने ये तय कर लिया कि हम आपको निमंत्रण देंगे, हमने हृदय से उन्हें आमंत्रित भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सिवा प्रतीक्षा करने के अब हमारे पास कुछ नहीं। तो ठीक उस प्रेमिका की तरह हम गेट पे खड़े होके अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करेंगे कि वो कब आएगा, कब मैं उसका स्वागत करूंगी। उस तरह आपको स्वागत के लिए तैयार है। मैंने आज ये कुछ सूत्र आपसे इसलिए कहे कि बहुत सारे लोगों का मत था, बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा थी कि जो श्वास के द्वारा विपश्यना, जो गौतम बुद्ध की एक विधि थी, उसके बारे में जो हमने कल चर्चा की थी, उस चर्चा में उतरने का साहस नहीं हो रहा है, उस उतरने में हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें एक विद्रोह हो गया है। विचारों को खत्म करने की बात आपने की, विचारों का तो हजूम इकट्ठा हो गया है, विचारों की तो तीव्रता इतनी तेज हो गई है जो कभी भी नहीं हुई थी। एक अद्भुत घटना सी घट गई है जीवन, इसे घटने दीजिए। वो सारी प्रक्रियाएं जो आज हमने की है, बस उसके अलावा आपको इंतजार करने का के अलावा और कोई चारा नहीं है। आपको हृदय से और धैर्य से इंतजार करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन घटना घटेगी, एक दिन घटना घटेगी, वो अद्भुत घटना घटेगी। एक ऐसी अद्भुत घटना घटेगी कि आपको आश्चर्य होगा कि ये घटना कैसे घट गई। मुझे एक प्रकरण याद हो गया, एक बार जो बायोलॉजिकल की एक सभा थी, अंतरराष्ट्रीय सभा, उसमें किसी वैज्ञानिक ने, शायद इंग्लैंड के वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने कहा, करीब करीब मिलती जुलती एक वैज्ञानिक ने बात कही। उसने कहा कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, जो मनुष्य का निर्माण है, वो कुछ ऐड करने से नहीं हुआ है, कुछ जमा करने से नहीं हुआ है, कुछ बढ़ोतरी करने से नहीं हुआ है, बल्कि कुछ दीवारें गिरने की वजह से हुआ है, कुछ बाधाएं दूर होने की वजह से हुआ है। जो बायोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है मनुष्य की, वो निश्चित रूप से बहुत सारी दीवारें गिरती गई, बहुत सारी बाधाएं दूर होती गई, उससे मनुष्य का निर्माण हुआ है, कुछ अलग से प्राप्त नहीं किया है। जिस तरह एक बीज, अगर कोई बीज बोया जाए और उस पर फूल खिले, तो निश्चित रूप से जो फूल हमें दिखाई देता है, उससे वो तभी तभी संभव हुआ है जब बीज बीज का में कुछ गिरा है, बीज में कुछ बाधाएं दूर हुई है। बुद्ध ने भी यही बात कही थी, बुद्ध ने भी यही बात कही थी कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो लोगों ने उन्हें पूछा कि क्या प्राप्त हुआ है? तो बुद्ध ने बहुत सुंदर बात कही थी। बुद्ध ने कहा कि कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, मिला तो वही है जो मेरे अंदर था।
लेकिन कुछ गिर गया है, कुछ खत्म हो गया है, और वो खत्म होना और कुछ प्राप्त होने की प्रक्रिया समान तौर से चली है। शायद उन्होंने कहा है कि कुछ गिरा है तभी कुछ मिला है, कुछ मिला है शायद तभी कुछ गिर गया है। जो अहम था वो गिर गया है, कुछ दीवारें कुछ बाधाएं दूर हो गई, वो बाधाएं दूर हो गई हैं तो कुछ मिल गया है, लेकिन वो ही मिला है जो मेरे अंदर था, कोई बाहर से कुछ नहीं मिला है। तो 2500 वर्ष के बाद एक बायोलॉजिकल वैज्ञानिक भी वही बात कह रहा है जो बुद्ध ने 2500 वर्ष पर लिखे थे। इसलिए दोस्तों, ये जो प्राप्त ध्यान की बात आज हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ पाना नहीं है बल्कि खोजना है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर है, उसे ही जानना है, उसे ही खोजना है, उसे ही प्राप्त करना है, कहीं बाहर से कुछ नहीं है। हाँ, उसे प्राप्त करने के लिए जो आज हमने कुछ सूत्रों पे बात की, कुछ बात जो कुछ तत्वों पे बात की, उन तत्वों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वो सब मिलेगा जो आप चाहते। मुझे एक छोटी सी बात आ गई, उस बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक मूर्तिकार ने बहुत सुंदर सी एक मूर्ति बनाई, जीती जागती मूर्ति, ऐसा लगता था कि अब बोल पड़ेगी। उसकी आंखें इतनी बोलती थी कि ऐसा लगेगा कि वो मेरी तरफ देख रहा है, उसके भाव ऐसे थे कि जैसे वो प्रकट करता हो प्रकृति की सौम्यता, प्रकृति की लीला उसमें भरी हुई थी, इतनी सुंदर मूर्ति। कोई दार्शनिक वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने मूर्तिकार से पूछा, ये मूर्ति आपने बनाई? मूर्तिकार ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल मुस्कुराता रहा। दार्शनिक ने फिर पूछा, ये मूर्ति आपने बनाई है? इतनी सुंदर मूर्ति, इतनी जीती जागती मूर्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, ऐसा लगता है कि अब बोल पड़ेगी। तो मूर्तिकार का बहुत सुंदर जवाब था जो मैं आपके इस विषय से संबंधित करना चाहता हूं। मूर्तिकार ने कहा कि महानुभाव, ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई, बल्कि मुझे तो एक पत्थर मिला था जिसमें जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो हटा दी है बस। मैंने पत्थर में मूर्ति थी, मैंने तो केवल जो एक्स्ट्रा पत्थर उसके साथ लगा हुआ था उसे दूर कर दिया है और कुछ नहीं किया है। इस पत्थर में तो मूर्ति थी, जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने बाहर फेंक दिया, उसे काट छांट लिया है बस। आपको भी ध्यान में उतरने के लिए और कुछ नहीं करना, जो कूड़ा करकट है वो केवल और केवल काट छाट के बाहर फेंकना, जो अंदर मूर्ति बैठी है वो स्वयं आपको मिल जाएगी, निश्चित रूप से मिल जाएगी, और वो वैसी ही ऊर्जा होगी, वैसी ही जीती जागती मूर्ति होगी जैसे मूर्तिकार की मूर्ति अब बोल पड़ेगी। उसकी मूर्ति पता नहीं बोली या नहीं बोली, लेकिन आपके अंदर की मूर्ति निश्चित रूप से बोल पड़ेगी, वो आपसे क्वेश्चन करेगी, आपको बताएगी। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम जिस प्रक्रिया में उतरे हैं उस प्रक्रिया में हमें उतरना है और प्रतीक्षा करनी है। उन सूत्रों पे जो आज मैंने जिनकी चर्चा की उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक दिन ध्यान के प्रक्रिया में स्वयं उतर जाएंगे, उस गंगा जल का आपको निश्चित रूप से टच में मिलेगा, स्पर्श मिलेगा जिसे आप चाहते। आज हम इतनी ही चर्चा आपके साथ करना चाहते थे, कल अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से इसका आंसर देने के लिए मैं जरूर आपके साथ बातचीत करूंगा। आज के इस संदर्भ में, आज इसके विषय के बारे में जो हमने कुछ कहा या पिछले दो दिन में हमने जो कुछ कहा उससे संबंधित अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से हमसे पूछ सकता है। हम अपने ज्ञान अध्ययन अनुभव के आधार पर जो भी हमारे पास है उसे कोशिश करेंगे कि आपको संतुष्ट कर सकें। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, हृदय से मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ।
इसलिए बहुत बहुत आभार। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है, मन में कोई भ्रम है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो मैं उसका हार्दिक स्वागत करूंगा। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में भी लिख के हमें भेज सकता है। सर गुड मॉर्निंग, मैं उज्जवल। बोलिए सर, एक प्रश्न था। जैसे कि जैन मास्टर के बारे में आपने बताया, तो जैन मास्टर ने बताया था नो माइंड, मतलब कि दिमाग का ज्यादा प्रयोग ना करें। बुद्धा ने बताया डिसोल्यूशन ऑफ माइंड, मतलब अपने दिमाग को ही आप निष्क्रिय करें। कबीर ने उन्मानी बताया था और पतंजलि ने निर्विकल्प समाधि बताया, जिसमें हम अपने दिमाग को पूर्ण शांत कर देते हैं। तो सर प्रश्न ये है कि क्या हमारा दिमाग मनुष्य का, जो प्रकृति ने दिमाग दिया है, जो सब चीजों को लेता है, तो फिर वो अब एक बाउंड्री क्यों बना देता है, जिससे कि हम बाहर कहते हैं जो बाहर है वही अंदर है, तो ये बाउंड्री दिमाग कैसे बनाना शुरू कर देता है? पहली बात तो और मैं शायद ये ध्यान और शायद ध्यान यही कहता है कि हम कैसे उस भीतर को बाहर से जोड़ दें, एक योग हो जाए, समन्वय हो जाए, कि जो भीतर है वो बाहर जुड़ जाए। और मतलब कि मनुष्य बचपन से लेकर जब तक वो बड़ा होता है, दिमाग वो बाउंड्री क्रिएट करता होता है, और बाद में जब मनुष्य, जब गौतम बुद्ध को ये पता लगा कि हाँ मुझे सत्य की प्राप्ति करनी है, या फिर लाओजू को पता लगा कि उन्हें भी कुछ ये कुछ अलग हो रहा है उनके साथ, उन्हें भी सत्य को जानना है, या और भी जितने हैं उन्हें बाद में ही पता लगता है, और तभी ध्यान आता है कि हाँ हमें अब ध्यान करना होगा, अपने दिमाग को निष्क्रिय करना होगा। सर इसके बारे में कुछ जानना। दरअसल उज्जवल, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो परवरिश शुरू होती है, गर्भ धारण, माँ जब गर्भ धारण करती है तो जो भी उसका व्यवहार होता है माँ का, वो सब सामाजिक है। और समाज में जीने के लिए आदमी को चालाक होना पड़ता है, समाज में जीने के लिए आदमी को बलशाली होना पड़ता है, समाज में जीने के लिए आदमी को विचारशील होना पड़ता है। माँ का, वहीं से शिक्षा शुरू होती है बच्चे को। माँ का जो व्यवहार है वो बच्चे को धीरे धीरे गर्भ में ही सिखा रहा है तमाम चीज। और जब वो पैदा होता है तो फिर वो परवरिश देखता है अपने माँ का, अपने पिता का व्यवहार। हमारी शिक्षा भी वो मस्तिष्क परख है, वो हृदय परख नहीं है। अभी वैसे विश्वविद्यालय नहीं खुले जहां हृदय परख शिक्षा दी जाए। और उसका परिणाम ये होता है कि हम पूर्णतः अपने मस्तिष्क से जीने लगते हैं। और मस्तिष्क से जीने वाला व्यक्ति प्रतिदिन रोज और ज्यादा चालाक होने की आवश्यकता है उस। वो आज जो हमने सीख लिया है केवल उसी से काम नहीं चलेगा, हमें कल और ज्यादा चालाक होना पड़ेगा, और परसों और ज्यादा चालाक होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो इसी प्रक्रिया में मर जाते हैं। बहुत सारे लोग इसी प्रक्रिया को जीते जीते उन्हें पता ही नहीं चलता है कि जीवन कब खत्म हो गया। लेकिन बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, सुकरात जैसे लोग,
लाओत्से जैसे लोग, कभी कभी उन्हें स्ट्राइक कर जाता है कि जो हम जीवन जी रहे हैं इसका कोई अंत नहीं है, कहीं ठहराव नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, इसलिए क्या कुछ ऐसा है जिसमें हमारे जीवन में स्थिरता आ जाए। और जब वो स्थिरता के लिए, जो आज हमने कहा कि जिज्ञासा होनी चाहिए, एक दिन एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है उनके अंदर, संकल्प ले लेते हैं कि नहीं, जहां स्थिर जीवन है उसे हमें, मुझे खोजना है, उसे मुझे पाना है, तो वो प्रयास शुरू करते हैं। और जब प्रयास शुरू करते हैं तो देखते हैं कि आज तक जो मस्तिष्क से जिए थे उसका इस जीवन में, इस क्षेत्र में कोई उपयोग नहीं है। इसलिए उनकी समझ में ये बात आ जाती है कि जो हम मस्तिष्क से जीते हैं उसका इस आध्यात्मिक जीवन में, इस स्थायी जीवन में, इस स्थायी प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। इसलिए तमाम जितने भी कबीर हों, चाहे वो जैन हों, चाहे वो जैन हों, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे सुकरात जैसे लोग हों, सभी ने घुमा फिरा के एक ही बात कही है, विधियां करीब विश्व में आज भी सैकड़ों से ज्यादा हैं, 100 विधियों से भी ज्यादा विधियां हैं ध्यान की। पिछले 5-7 साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि 112-114 विधियां तब तक ईजाद हुई थी, अब 10-5 विधियां और भी ईजाद हो सकती हैं, तो 125 हो सकती हैं। लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि जो हम मस्तिष्क से जीवन जीते हैं उसे नहीं जीना है, हमें हृदय से जीना है। हृदय से जीने का मतलब यह है कि मस्तिष्क को निष्क्रिय नहीं करना है, बल्कि विचारहीन करना है। निष्क्रिय का अर्थ यह हुआ कि हमें मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करना है, उसके प्रयोग बगैर तो हम चलेंगे भी नहीं, उठेंगे भी नहीं, बैठेंगे भी नहीं। लेकिन जो विचार हैं, जो विचारों में इन्वॉल्व होने के बाद हम प्रतिक्रिया करते हैं, वो प्रतिक्रिया नहीं करनी है। इसलिए किसी ने भी ये नहीं कहा कि मस्तिष्क को मार दो, मस्तिष्क को निकाल के एक तरफ रख दो। एक भी किसी वैज्ञानिक ने नहीं कहा, किसी भी दार्शनिक ने नहीं कहा कि मस्तिष्क की हमें आवश्यकता नहीं है। मस्तिष्क की तो आवश्यकता है, लेकिन मस्तिष्क की उपयोगिता इस बात में है कि जो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हम करते हैं उन प्रतिक्रियाओं में हमें सम्मिलित नहीं होना है। जो आज हमने रेचन की बात की, हमने कूड़ा करकट बाहर फेंकने की बात की, वो सच्चाई है कि हमारे पूरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतिक्रियाओं में चला जाता है। दूसरे ने क्या कहा, दूसरे ने क्या क्या, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमें क्या करना है। सच बात तो यह है कि दुर्भाग्य मनुष्य का कि वो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल और केवल प्रतिक्रियाओं में ही व्यर्थ कर देता, हम अपना जीवन जी नहीं पाते। हम सारे जीवन वो ही काम करते हैं जो दूसरों ने किया, उसके खिलाफ हमें क्या करना है, उसकी प्रतिक्रिया में क्या करना है, उसी में हम जीते हैं। लोग हमें कुछ कह जाते हैं, हम क्रोध करने लगते हैं, लोग हमारी प्रशंसा कर देते हैं, हम खुश होने लगते हैं। ये तमाम जो प्रक्रियाएं हम करते हैं वो तमाम उन क्रियाओं की है जो दूसरा करके चला गया, उसकी प्रतिक्रिया हम कर रहे हैं, और ऐसे ही जीवन चला जाता है। और शायद इसी में मस्तिष्क को ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, प्रतिदिन और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। हृदय का मसला यह है कि हम कोई प्रतिक्रिया ना करें, हम केवल क्रिया करें। क्रिया को कोई भी आध्यात्मिक मना नहीं करता, वो स्वीकार करते हैं कि मस्तिष्क को क्रिया तो करनी चाहिए, क्रिया नहीं करेगा तो हम इस संकल्प के साथ भी, संकल्प भी आज हम मस्तिष्क से कर रहे हैं ना, जिज्ञासा भी आज हम मस्तिष्क से कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हम आमंत्रण कर रहे हैं किसी शक्ति का, किसी ऊर्जा का, वो भी मस्तिष्क से कर रहे हैं। और अगर हम प्रतीक्षा कर रहे हैं तो भी मस्तिष्क से कर रहे हैं। तो मस्तिष्क को निष्क्रिय करने की बात नहीं की जा रही, उसका उसे ये कहा जा रहा है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट प्रतिक्रियाओं में ना हो। हम जब भी जितने विचार आते हैं उनके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए गड़बड़, उस प्रतिक्रिया से बचना है। इसलिए तमाम जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं उन्होंने किसी ने भी नहीं कहा कि हमें केवल और केवल हृदय से ही जीना है, मस्तिष्क का कोई उपयोग नहीं करना। नहीं, मस्तिष्क का उपयोग करना है लेकिन क्रियाओं में करना है, प्रतिक्रियाओं में नहीं करना।
ये तो रही इसकी बात। दूसरी बात, आपने कहा कि जो बाउंड्री है मस्तिष्क की, एक बाउंड्री, बाउंड्री हमारी शिक्षा ने बना दी, हमारी परवरिश ने बना दी, हमारे समाज के व्यवहार ने बना दी, और हमने उसे स्वीकार कर लिया है। बस बाउंड्री तो उन्होंने बनाई है, हमने उसे स्वीकार कर लिया है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको सुना के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि एक बार एक ऊंटों का काफिला, जो ऊंट बेचने वाले लोग थे, वो गुजर रहे थे, किसी धर्मशाला में रुके। धर्मशाला में रुके तो उन्होंने जब ऊंट बांधने की बात आई तो उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे पास जितने ऊंट हैं उनमें से एक ऊंट का जो रस्सी है और जो खूंटा है वो कहीं खो गया है। वो धर्मशाला के मालिक के पास गए कि सारे ऊंट बांधने का तो प्रबंध है हमारे पास, लेकिन एक ऊंट की रस्सी और जो खूंटा था जिससे उसे बांधना था वो कहीं मिस हो गया, कहीं खो गया। आप एक रस्सी और खूंटे का प्रबंध अगर कर दें तो हमारा काम चल जाएगा, अन्यथा की स्थिति में पशु है, कहीं भाग सकता है। जब आपने देखा होगा ऊंटों को जब चलाते हैं तो एक दूसरे की पूंछ से उनका बांध देते हैं, आगे पीछे बांध देते हैं, एक दूसरे की जो रस्सी होती है वो दूसरे की पूंछ में बांध देते हैं। लेकिन नाइट में तो पूंछ से बांध कर नहीं रखा जा सकता था, खूंटा ही चाहिए बांधने की। तो धर्मशाला के मालिक ने कहा कि खूंटा तो मेरे पास नहीं है, रस्सी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक तरकीब बता सकता हूं, आपका ऊंट कहीं नहीं जाएगा। तो उसने कहा क्या तरकीब है बताइए। ऊंट के मालिक ने कहा बताइए क्या तरकीब है। तो उसने कहा कि केवल और केवल खूंटा गाड़ने का, रस्सी उसके गले में डालने का, आप उपक्रम कर दें, नाटक कर दें केवल, तो ऊंट स्वीकार कर लेगा और ऊंट वहीं बैठा रहेगा। पहले तो ऊंट के मालिक को यकीन ही नहीं आया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने सोचा ऐसा करके देख लेता हूं। और जब उसने आर्टिफिशियल खूंटा ठोकने की बात की, वहां वो नाटक किया, उपक्रम किया, और वैसे ही उसके गले में इस तरह से रस्सी डाली तो ऊंट बैठ गया। और जैसे तमाम दूसरे ऊंट बैठे रहे रात भर, वो भी बैठा रहा। सुबह जब वक्त आया चलने का तो सारे ऊंटों के खूंटे उखाड़ दिए गए, रस्सी खोल दी गई, सब ऊंट खड़े हो गए, चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वो ऊंट जिसका कोई खूंटा नहीं था, रस्सी नहीं थी, वो उठा ही नहीं। उसे खूब कोशिश की उठाने की, वो उठा ही नहीं। तो वो फिर धर्मशाला के मालिक के पास गए कि जनाब वो तो ऊंट में क्या कर दिया आपने, कोई मंत्र पढ़ दिया, वो तो ऊंट ही नहीं उठ रहा है। तो उसने कहा कि आपने उसका खूंटा उखाड़ा है, नहीं उखाड़ा है, आपने उसकी रस्सी खोली है, नहीं खोली है। तो उन्होंने कहा रस्सी तो पहना ही नहीं गई थी, रस्सी थी नहीं, खूंटा था ही नहीं, कहां से खूंटा उखाड़ते और कहां से रस्सी खोलते। उसने कहा नहीं, जो नाटक आपने रात को किया था उसके साथ वो नाटक पूरा करना पड़ेगा, आपको खूंटा उखाड़ने की भी प्रक्रिया दिखानी पड़ेगी और रस्सी खोलने की भी प्रक्रिया दिखानी पड़ेगी। और ऐसा ही किया गया और ऊंट खड़ा हो गया, चलने के लिए तैयार। सच बताएं तो हम ऐसे ही रस्सी और ऐसे ही खूंटे से बंधे हुए लोग हैं सब। समाज के जो परवरिश है, जो समाज की शिक्षा है, जो समाज ने हमें सिखाया है, वो ऐसे ही रस्सी से और ऐसे ही खूंटे से बांध रखा है हमने। और हम अपने को, हमने अपनी बाउंड्री बना ली है, जो आपने कहा ना कि मस्तिष्क की एक बाउंड्री है, हमने एक बाउंड्री बना ली है कि इससे बाहर नहीं जा सकते, इससे बाहर जा ही नहीं सकते। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई रस्सी नहीं है, कोई खूंटा नहीं है, हम जिस दिन चाहें जिस वक्त चाहें उस बाउंड्री से बाहर जा सकते। तो बाउंड्री समाज ने नहीं बनाई है, हमने स्वयं बना ली, हमने उसे बाउंड्री ना होते हुए भी बाउंड्री स्वीकार कर रखा है। इसलिए हम तमाम जीवन प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। सच बताऊं तो जो ध्यान की आज हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसा विषय है कि बहुत सारे क्षण ऐसे आते हैं आपके जीवन में जब आप में ध्यान में उतरने की बात करते हैं या ध्यान में उतरने की तैयारी में होते हैं, तो कई क्षण ऐसे आते हैं कि आपका मन करता है कि खूब जोर जोर से रोने का, कई बार आपका मन करता है जोर जोर से हंसने का, कई बार आपका मन करता है जोर से चिल्लाने का,
क्योंकि जो कचरा रुका है उसे डिफरेंट तरह से वो बाहर आना चाहता है, लेकिन हम आंख खोल के देखते हैं चारों तरफ, कोई देख तो नहीं रहा है। मैं जोर से हंसू लोग मुझे पागल तो नहीं समझ लेंगे, मैं जोर से रो तो ऐसा तो नहीं भीड़ इकट्ठी आके पूछने लगे कौन मर गया है, क्योंकि मरे पे रोया जाता है, ये बाउंड्री बना दी गई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत सारी ग्रंथियां, बहुत सारी चीजें जो हमने दबा के रखी हैं, जिनकी प्रतिक्रिया हम नहीं कर पाए, प्रतिक्रिया तो करना चाहते थे लेकिन हम समर्थ नहीं थे प्रतिक्रिया करने में, वो सारी चीजें दबी हुई हैं, वो बाहर जब आना चाहते हैं तो उन्हें हम बाहर भी आंख खोल के देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। ये भी एक प्रतिक्रिया है कि हम वैसी रस्सी और खूंटे से बंधे हैं जो वास्तव में है ही नहीं। अगर आप जोर से हंस लेते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, आप जोर से रोने का मन है तो रो लेते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। और जब वो भी नहीं कर पाते हैं तो फिर उस प्रक्रिया में नहीं उतर पाते, उन सीमाओं को नहीं तोड़ पाते हैं जिन सीमाओं को हम तोड़ना चाहते हैं। तो सीमाएं हमारी अपनी बनाई हुई हैं, हम शायद प्रतिक्रिया में जीते हैं, समाज हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है हमसे, मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा समाज, ऐसी हमारी विचारधारा बन गई है, इसलिए शायद हम प्रतिक्रियाएं करते हैं क्रियाएं नहीं करते। उसे हमें तोड़ना होगा, निश्चित रूप से तोड़ना होगा, अगर हम चाहते हैं कि एक हम सुफल जीवन जिए, अपने लिए जिए, अपनी ऊर्जा के साथ जिए, हम जानने कि मैं कौन हूँ, मैं जानू कि मैं कितना ऊर्जावान हूँ, ये सब जानने के लिए स्वयं के लिए जीना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आपके क्वेश्चन का कुछ आंसर मिला होगा उज्जवल जी। सर बिल्कुल धन्यवाद, हमारा समय हो गया है इसलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अभी सर ने बोला कुछ हम बाउंड्री, आपने जो बताया ना वो सही है, हम अपने में बाउंड्री डाल सकते हैं, लेकिन इसमें इतना परिवर्तन हुआ सर, मैं कुछ भी जरा शादी शादी बात में मुझे रोना आता था, मैं बहुत भावुक थी, तो ये करने के बाद थोड़ा थोड़ा बस आंसू बहाए भी सबके, लेकिन एक संकल्प मन में रख लिया, नहीं मैं कहीं तो आगे एक स्कूल बोला तो एक ओपन करूंगी, एक म्यूजिक स्कूल। मैम आपका जब जो मन करे करिए, कभी ये परवाह मत करिए कि समाज क्या कहेगा। आपका मन रोने का रोने का अगर कर रहा है तो आपको रोना चाहिए, आपका जोर से रोने का मन कर रहा है तो जोर से रोइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बाधा बन जाएंगे अपने उस जीवन में, जो जीवन ईश्वर ने आपको दिया है वो, मैंने कहा ना कि समाज के लिए जिंदा नहीं रहना है, अपने लिए जिंदा रहना है। बहुत सारे योगा आश्रम हैं जिनमें, बहुत सारे योगा आश्रम में मैंने जाके देखा है कि वो कुछ प्रतिक्रियाएं कराते हैं, उनमें उनमें कुछ लोग मैंने खूब फूट फूट के रोते हुए देखा है, वो रोने के बाद अपने को बेहद हल्का महसूस करते हैं, आपको ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो हवा में आ गए। उनसे जब मैं मिला और मैंने बातचीत की तो मुझे लगा कि उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दिया। उस व्यक्ति से जब मेडिटेशन से पहले मिला था तो कुछ और व्यक्ति था, और मेडिटेशन के अनुभव के बाद जब मिला तो वो अलग व्यक्ति था, वो बहुत हल्का फुल्का हो गया था। कितने मजे की बात है, ऊर्जा से भरपूर शक्ति से भरीपूर्ण व्यक्ति अपने को हल्का महसूस करता है, और ऊर्जा से विहीन व्यक्ति अपने को भारी महसूस करता है। तो हम ऊर्जा से विहीन होते हैं जब हम प्रतिक्रियाओं में जीते हैं, इसलिए कभी भी आपके मन में कुछ भी आए तो उसे होने दीजिए, उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रकृति की। उसमें अगर हम बाधक बनेंगे तो निश्चित रूप से कुछ कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसे बाहर फेंकना बहुत मुश्किल काम होता है। कूड़ा करकट जो हम इकट्ठा करते हैं उसे बाहर फेंकना आसान काम नहीं है, उसे हम और अगर बाहर फेंकते भी हैं तो देखिए कितने गजब की बात है कि किसी के ऊपर फेंकना चाहते हैं, उसे खुले में नहीं फेंकना चाहते हम किसी के ऊपर, हमने जो कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया हम किसी के ऊपर फेंकना चाहते हैं। अगर किसी ने हमें गाली दी हम भी किसी को गाली देना चाहते हैं,
अगर हम सिंपली उस गाली को बाहर निकालना चाहें, बेहतर तो ये होगा कि बुद्ध की तरह हम उसे स्वीकार ही नहीं। आपकी गाली आपके पास। बुद्ध की एक बहुत रोचक कथा है कि एक बार किसी आदमी ने उन्हें बहुत गालियां दी। उनके साथ उनका चचेरा भाई जो उनका शिष्य था आनंद, वो भी था। आनंद को गुस्सा आने लगा। बुद्ध ने उनके तरफ बहुत इस भाव से देखा है कि आपको गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, गालियां तो मुझे दी जा रही हैं। और जब वो गाली दे के थक गया तो उसने कहा कि और कुछ कहना हो तो कह लो, फिर मुझे जाना है, मुझे जल्दी है, दूसरे गांव जाना है। अब आदमी थक चुका था इतनी गालियां दे के। बुद्ध ने अपने कपड़े लिए, उन्हें थोड़ा सा झाड़ा, इस तरह से किया, कहा आनंद चलो। तो आनंद ने पूछा कि आपने ये क्या किया? उसने कहा कि मन और मस्तिष्क पे, हृदय पे तो मैंने वो कंट्रोल कर लिया है कि वो जो चाहेंगे वही स्वीकार करेंगे और जो नहीं चाहेंगे वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कपड़े इस झाड़े के इसलिए झाड़े कि कोई एकाध गाली ऐसा तो नहीं कि मेरे कपड़ों पे चिपक गई हो, उसे भी झाड़ता चलो। तो हमें ऐसा भाव रखना चाहिए। हम सारे जीवन कचरा इकट्ठा करते रहते हैं, जो दूसरे लोग फेंकते हैं हम उन्हें अपना दरवाजा बंद नहीं करते। अगर कोई हमारे घर के बाहर कोई कूड़ा डालने आ जाए स्वीपर, तो हम अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन हम अपने हृदय का, अपने मस्तिष्क का दरवाजा खुला रखते हैं किसी के गालियां स्वीकार करने के लिए। कैसा अजीब किस्सा है कि हम कोई हमें कोई गलत बात कह रहा है, कुछ कर रहा है, उसके लिए हम अपने द्वार खोल देते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं और फिर किसी पे फेंकने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी कहावत है कि कोई अधिकारी जो है अपने जो भी है उसका सबोर्डिनेट है उसे धमकाता है, वो उसे तो नहीं धमका सकता क्योंकि वो उसका अधिकारी है, फिर वो अपनी पत्नी को आके धमकाता है। अब पत्नी पति से तो नहीं धमका सकती पति को, तो वो अपने बच्चों को धमकाती है। कहां की प्रतिक्रिया कहां तक चली गई है? तो बच्चा ये लास्ट में अधिकारी का दोष था और पिटा कौन? पिटा बच्चा। ये ऐसी प्रक्रिया है इस समाज की। हम अगर वो जो सबोर्डिनेट था वो स्वीकार ही नहीं करता अधिकारी की गाली, तो ना तो वो पत्नी तक आती ना बच्चों तक आती। हम अपना कचरा जो है वो किसी दूसरे पे फेंकना चाहते हैं, नहीं नहीं फेंकना। या तो कचरे को स्वीकार ही नहीं करना है, या स्वीकार हो भी गया अभी उस लायक नहीं है तो उसे कहीं खुली जगह में फेंकना है, उसे किसी के ऊपर नहीं फेंकना है। मैं माफी चाहूंगा कि मैं हमारा अगला सेशन होता है JIII का, तो मेरा समय हो गया है और आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, इसलिए बहुत बहुत आभार।